गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स स्टूडेंट दिस इज योर बुक हनी सकल एंड फ्रॉम दिस बुक वी विल रीड चैप्टर नंबर टू हाउ द डॉग फाउंड हिम सेल्फ अ न्यू मास्टर डॉग ने अपना खुद के लिए न्यू मास्टर यानी कि नया स्वामी कैसे खोजा ठीक है तो खुद ने अपने लिए नया स्वामी कैसे खोजा ये हमको देखना है पढ़ना है तो स्टार्ट करें कल तो वन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे चलिए चैप्टर नंबर टू देखते हैं डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे ऑफ वोल्स डू पहले क्या होता था एक ऐसा टाइम था एक ऐसा समय था जब कुत्ते अपने खुद के स्वामी होते थे यानी वो खुद के ही अपने मास्टर होते थे कुत्तों का को कोई मास्टर नहीं था और जिस तरह से भेड़िए रहते थे वैसे ही वो रहते थे इन फ्रीडम ठीक है एकदम फ्री से हो सक घूमते थे अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ जब तक कि कोई एक ऐसा डॉग नहीं पैदा हुआ जो इस तरह के जीवन से खुश नहीं था ठीक है बाकी जो डॉग थे उससे पहले वो खुश थे उस जीवन से लेकिन एक ऐसा ऐसा डॉग जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक सबसे सब चल रहा था लेकिन एक डॉग ऐसा आया वो अपने जीवन से खुश नहीं था वो सिक एंड ना दुखी था एकदम परेशान सा था क्योंकि उसको भोजन की तलाश में खुद के भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दो वैन ही और उसको उन लोगों से डरना पड़ता था जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे भोजन की तलाश में घूमना पड़ा उसको और उन लोगों से डरना पड़ा जो उससे ज्यादा ताकतवर थे तो वो जो डॉग था वो परेशान हो गया था अपनी इस लाइफ से ही थॉट इट ओवर उसने इस पर विचार किया सोचा एंड डिसाइडेड और फैसला किया डिसाइड किया क्या डिसाइड किया डैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ उसने ये विचार किया कि आ, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा इस्ट्रोंग हो ठीक है जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो तो उसे ऐसे व्यक्ति का सर्वेंट बन जाना चाहिए एंड ही सेट आउट टू फाइंड सर्च ए मास्टर और वो यही सोचकर निकल पड़ा अपने मास्टर की खोज में ही वॉकड एंड ही वो चलता रहा चलता गया चलता गया एंड ही मैट अ सैन ऑफिस किन्सन का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड वर्ड है बट ये किसके लिए है जो हमारे संबंधी हो रिश्तेदारों ठीक है उनके लिए तो वो क्या गया चलता गया चलता गया फिर उसे एक अपना रिश्तेदार मिला ए बिग वुल्फ एक बड़ा भेड़िया हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फेरियस और वो उतना ही स्ट्रांग था जितना कि वो दिखने में डरावना भी लग रहा था भयंकर भी लग रहा था वेयर आर यू गोइंग डॉग तुम कहाँ जा रहे हो डॉग भेड़िए ने पूछा दुल्फ आग आई एम लुकिंग फॉर समू टेक अपॉर सम मैं किसी को खोजने जा रहा हूँ जो क्या करे टू टेक अप सर्विस विथ मी जो मेरी सेवा लेक है तो मैं ऐसा किसी को ढूंढने जा रहा हूँ वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे वुल्फ आई डोंट सी वाई नॉट आई डोंट सी वाई नॉट उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूं कोई रीजन नहीं है तो ठीक है बन जाऊंगा तुम्हारा मास्टर द वुल्फ सैट एंड अपॉन वुल्फ ने कहा ठीक है और वो इसके ऊपर तैयार हो गया द टू ऑफ देंट ऑन टूगेदर अब दोनों लोग साथ, साथ चलने लगे they and they वो चलते रहे और चलते रहे एंड ऑल ऑफ नोज। और चलते चलते अचानक ने अपनी नाक को उठाया में सूंगा स्नेब सूंगा अपनी नाक को ऊपर उठाया और सूंगा डाटेड क्विकली ऑफ द पाथ डार्टेड मतलब जल्दी से चले जाना अचानक से चले जाना ठीक है डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुशेज फिर उसने क्या किया वो जल्दी से वहां से चला गया और बुशेज बुशेज में चला गया झाड़ियों में एंड क्रैप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट और छुपते छुपते सीधा आगे जंगल की ओर खिसक गया ठीक है क्रैप्ट मतलब रेंग रेंग के चलना और जाते जाते वो क्या हुआ सीधा अंदर जंगल के अंदर चला गया तो हुआ क्या था शायद कुछ दिखाई दिया हो, तो उसने अपने नाक को ऊपर उठाया और और जल्दी से रास्ते से हटकर झाड़ियों में जंगल के अंदर ही अंदर चलता चलता चला गया क्रैप्ट होकर हम द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या हो गया वट्स कम ओवर यू मस्टर उसे कहा आपको क्या हो गया मास्टर कुछ प्रॉब्लम हो गई है वॉट हैज फ्राइंड फ्राइटेन्ड यू सो ठीक है आपको क्या डर है क्या हो गया आपको कैन नॉट यू सी ठीक है तुम देख नहीं सकते देयर्स अ बियर आउट देयर देखो वहाँ एक भालू है एंड ही माइड इट अ बोथ ऑफस और ये हम दोनों को खा सकते हैं यू एंड मी तुम्हें भी और मुझे भी सींग दैट द बियर वॉज स्ट्रांगर देन दुल्फ अब यह देख कर जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम तो डॉग ने यह डिसाइड किया कि मैं अपनी जो सर्विस है वो इसको ही दूंगा एंड ये लैव द व्फ और उसने वुल्फ को छोड़ दिया एंड आज द बीयर टू बीज मास्टर और बियर से पूछा क्या आप मेरे मास्टर बनोगे द बीयर एक्ट टू इज रेडली और जो बीयर है वो बहुत ही आसानी से इस पर तैयार हो गया हाँ ठीक है बन जाएंगे लेट्स गो चलो चलते हैं चलो चलते हैं एंड फाइंड द हेयर ऑफ काउ और चलो एक गायक की झुंड की तलाश करते हैं आई विल किल को मार दूंगा ये कौन कह रहा है कह रहा है। एंड ईट आर फिल और हम दोनों बैठ के फिर अपना खाना जो है खा सेंगे हमारे लिए काफी हो जाएगा हम लोग अपना पेट भर लेंगे दे वॉकड ऑन एंड सून साफ वो चलते गए और जल्दी ही उन्होंने गायों के झुंड को देख लिया बट जस्ट एज दे वर अबाउट कम अप टू इट लेकिन वो जैसे उनके ऊपर शिकार करने वाले थे इट दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज तभी एक भयानक नॉइज़ ने आवाज़ ने उनको रोक दिया उनको एक आवाज़ सुनाई दी द काउज वर मूविंग लाउडली एंड द रनिंग इन अ पैनिक इन डायरेक्शन जो काय थी वो मूविंग मूविंग कर रही थी रंबा रही थी जोर जोर से और इधर उधर भाग रही थी पैनिक होकर ठीक है अलग अलग दिशाओं में वो भाग रही थी द बेयर आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री और जो बेयर था एक पेड़ के पीछे से देखा ठीक है उसने बेयर ने एक पेड़ के पीछे से देखा एंड देन ही टू रन हैस्टली हेस्टली मीस जल्दी से डीपर मीस गहरे ठीक है और फिर वो भी क्या हुआ एक गहरे जंगल में जल्दी से चला गया नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर अब वो कुत्ता कह रहा है कि अरे अब ये बताओ कि यहां पे क्यों आना पड़ा हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई इट इज द लॉयन हु रूल्स ऑफ द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट तो फिर उसने कहा बेयर ने यह शेर है जो इन सभी जंगलों पर राज करता है राजा है ये जंगल का द शेर कौन है ये कौन शेर है डोंट यू नो तुम नहीं जानते ही इज द स्ट्रोंगेर बीस्ट ऑन द अर्थ ये पृथ्वी पर सबसे स्ट्रोंग जानवर है क्या तुम नहीं जानते इसको वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू ठीक है तो फिर मैं आपको भी गुड बाय कहता हूँ आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ मैं ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो पृथ्वी पर उससे ज़्यादा स्ट्रोंग कोई ना हो ठीक है तो मुझे ऐसा मज़बूत जो है वो मास्टर चाहिए एंड ऑफ द डॉग वैन टू द टू दू मास्टर और फिर वो जाके उसने शेर से कहा कि आप मेरे मालिक बनोगे तो शेर ने कहा हाँ बन जाएंगे द लॉयन एग्रीड टू इट और लॉयन इस पर तैयार हो गया एंड द डॉग स्टे विथ हिम अब डॉग उसके साथ रहने लगा एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम और बहुत बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की इट वॉज गुड लाइफ और ये एक अच्छा जीवन था उसके लिए

और अब कोई भी डॉग को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था और ना उसे कहीं भी कोई रोकने की कि किसी को हिम्मत थी क्योंकि डॉग जो जो लॉइन था वो उसका मालिक था बट वन डे द टू ऑफ दैम वर्किंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ डेट रेन एडमिट बेयर्स क्लिफ क्लिफ मिस चट्टाने इसको पढ़ लेते हैं पूरा ठीक है बट वन डे ठीक है लेकिन एक दिन Two of them, वो दोनों जा रहे थे साइड बाय साइड अलोंग साइड बाय साइड मतलब किस साइड में कहां पे जा रहे थे कि एक घाटी थी ठीक है क्लिप थी उसके साइड उसके में वो लोग जा रहे थे वेन ऑल द सडन द लॉइन स्टॉप्ड और अचानक जो लॉइन है वो स्टॉप्ड हो गया ठीक है अचानक लॉइन स्टॉप्ड हो गया ये गैट ग्रेट रोर और वो जोर से दहाड़ा उसने जोर से दहाड़ा एंड स्टक द ग्राउंड एंगली विथ हिस्स पा विद फोर्स डेट ए होल फॉर्म्ड देअ और चट्टान पे उसने अपना पंजा मारा और पंजा मारने से उस चट्टान में एक छेद सा हो गया देन यू बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा ये चट्टान पर घूम रहे घूमते घूमते ये शेर पीछे हटने लगा वॉट इज इट मास्टर क्या हुआ मास्टर क्या है इज एनी थिंग रॉन्ग क्या कुछ गलत हो गया है क्या कुछ अजीब हो रहा है आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई आज द डॉग सरप्राइज डॉग ने बड़े सरप्राइज होकर पूछा कोई प्रॉब्लम आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे उसे कहा ओ मैं इस तरफ आने वाले एक आदमी को सुनता हूँ यानी कि मैं देख रहा हूँ एक आदमी यहाँ पे आ रहा है द लॉय सैड वी हैड बेटर रन फॉर इट और हम ये बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं और वी विल बी इन ट्रबल नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे यहाँ से भाग जाना ही सही है ओ वैल देन आई विल से गुड बाय टू यू ओ ठीक है तो मैं आपको अब अलविदा कहना चाहूँगा आई वॉन्ट ए मास्टर वर देन एनी वन ऑन अर्थ मैं तो उस मास्टर की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो उससे शक्तिशाली कोई भी ना हो एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन और डॉग ने फिर इंसान को जॉइन कर लिया एंड स्टे विथ हिम और उसके साथ रहने लगा एंड सर्वड हिम फेथफुली और फेथफुली uh, हो के विश्वासी होके उसकी सेवा करने लगा दिस अपन लॉन्ग लॉन्ग अ गो और ये बहुत बहुत बहुत, बहुत पहले हुआ बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट रॉयल सर्वेंट और लेकिन आज के समय में जो डॉग है वो इंसानों का सबसे वफादार नौकर है एंड नोट्स एंड नोज नो अदर मास्टर और उसका कोई अब दूसरा मालिक नहीं हुआ है तो डॉग के मालिक कौन हो गए हैं इंसान लोग हो गए इस तरह डॉग ने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया तो ये कहानी थी एक डॉग की जो अपनी लाइफ से परेशान था इधर उधर ढूंढना पड़ता था उसको खाना अब वो बैठा है घर पे लोगों की सेवा कर रहा है और अच्छे अच्छे से रह रहा है चलिए अब हम चैप्टर नंबर थ्री पे कल तब तक तो के लिए आप इसको पढ़िए कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बाय बाय टेक केयर फिर मिलते हैं गुड आफ्टरनून बाय बाय